फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों आज मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि काफी मेरे भाई और बहन मेरे वीडियो देखकर इंस्पायर होकर एक्सरसाइज कर रहे हैं और उनके इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो दोस्तों मैं आपसे भी यही उम्मीद करता हूँ, आप भी अच्छे से वीडियो देखें, मेहनत करें, एक्सरसाइज करें, आप में भी जरूर इम्प्रूवमेंट आएगा। दोस्तों आज मैं आपको कमर की कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे आपको स्टैंडिंग में और बैठने में सिटिंग में काफ़ी मतलब इम्प्रूवमेंट आएगा। तो आप वो एक्सरसाइज अच्छे से देखिए, समझिए और कीजिए। और फ्रेंड्स जैसे आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, काफ़ी लोग हैं जो फिजियोथेरेपी नहीं ले पा रहे हैं और वो बेड पे ही हैं, तो आप प्लीज़ वीडियो को आगे भी शेयर करें ताकि और भी किसी की हेल्प हो सके। प्लीज़ दोस्तों और वीडियो को स्किप ना करें, अच्छे से देखें और आगे ज़रूर शेयर करें ताकि और भी किसी की हेल्प हो सके। तो देखिए फ्रेंड्स, दोस्तों एक आपको इस तरीके से सीधा लेट के और सिर्फ इस पार्ट को ऐसे उठाना है, अगर आप उठा सकते हो तो। ये काफ़ी हार्ड होगी बट अगर आपसे होने लग जाए तो आपको इस तरीके से करना है, ये इस तरीके से, बस ये पोर्शन उठना चाहिए आपका इस तरीके से। ये भी आपको दिन में कम से कम 4 टाइम करना है और एक एक बार 20 पीस लगाओ आप इस तरीके से, ये इस तरीके से। आपको ऐसे उल्टा लेट कर और बस आपको ये वाला पार्ट यूं उठाना है, बस ये उठना चाहिए इस तरीके से। आप कर सकते हैं ये इस तरीके से, ये भी आपको दिन में 3 से 4 टाइम करना है। जिस तरीके से अपने आगे से मतलब किया था उसी तरीके से लेग साइड से भी आपको इस तरीके से उठाना है। आपको इस तरीके से एक इलास्टिक लेना है जो मैं अभी आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको घुटने में डालना है। ऐसे आपको लेट कर सीधा और यूं होके, ये देखो फ्रेंड्स अभी मेरा ये कमर की एक्सरसाइज इजीली उठने लग गया है, तब हो रहा है। आपके अगर स्टार्टिंग में नहीं होगा तो ये आपके पैर यूं जाएंगे, तब आपको किसी 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 पर्सन से, आपको किसी अपने फैमिली मेंबर से घुटनों को यहाँ से टाइट पकड़ के रखना है, यहाँ से मतलब ऐसे दबा के रखेंगे तभी आप इजीली ये वाली कर पाओगे ये एक्सरसाइज। ये कम से कम आपको फ्रेंड दिन में 3 से 4 बार करनी है, ये भी एक टाइम 50 कम से कम 50 तो आपको करनी है, तब जाके आपका स्टैंडिंग में और बैक बैलेंस आपका मतलब काफ़ी उसमें सुधार आएगा। इस तरीके से आपको एक्सरसाइज करनी है। एक दोस्तों कमर की आपको एक और एक्सरसाइज है जो आपसे स्टार्टिंग में तो नहीं होगी बिल्कुल भी, पर जब धीरे धीरे आपको इजीली होने लग जाए ये उठाने वाली, तब आपको ये एक पैर को यूं इस तरीके से आपको रखना है इस पे और किसी से आपको ये पैर यहाँ से पकड़ाना है ताकि ये पैर इधर ना जाए, ऐसे पकड़ के ये वाली करनी है। अभी जैसे मैं ये कर सकता हूँ, धीरे धीरे आपके भी होने लग जाएगी इस तरीके। इससे फ्रेंड्स आपको पूरी बॉडी का वेट इस एक पैर पे जाएगा और इससे घुटने की भी स्ट्रेंथ आएगी और कमर में भी बैलेंस आपका बनेगा इस तरीके से। ये भी आपको स्टार्टिंग में कम से कम 10 से 20 एक टाइम करनी है और एक वैसे ही इस दूसरे पैर की भी आपको इस तरीके से करनी है। अगर आपका ये पैर इधर जा रहा है तो आपको ये पैर किसी से पकड़ के, यहाँ से पकड़ के वो इधर की तरफ सपोर्ट रखेगा तो आपसे इजीली उठ जाएगी, जैसे ये ऐसे। ये भी आपको इस तरीके से दोनों पैरों की करनी है। मेरे भी अभी इतना तो इसमें नहीं हुआ पर धीरे धीरे मुझे पता है इजीली होने लग जाएगा। तो आपको इस तरीके से घोड़ा बन के बस आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी है इस तरीके से। ये भी आपको दिन में 3 से 4 टाइम करनी है। वही घोड़ा बनकर कोई ऐसा पलंग हो, और अगर फ्रेंड्स अगर आप इजीली नहीं चल पा रहे हो तो किसी एक को पास में जरूर रहना ताकि आपका बैलेंस एकदम यू बिगड़े तब आपको वो संभाल ले। आपको इस तरीके से घोड़ा बनकर चलना है ये इस तरीके से। ये इस तरीके से आपको घोड़ा बन के चलना है। ये भी कम से कम दिन में 2-3 टाइम करें, आप 5-5 मिनट भी करें तब भी काफी है।
इस तरीके से। और एक दोस्तों आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी है, इसमें आप अगर अकेले नहीं कर पा रहे हो तो किसी एक को अपने पास में जरूर रखें, ताकि वो आपको कमर से पकड़ के रखे, थोड़ा हल्का सपोर्ट भी दे। इस तरीके से आपको लेफ्ट राइट करना है। आपको ये जिम बॉल है, इसकी भी कुछ एक्सरसाइज और है जो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आपको इस तरीके से बॉल लेकर ये आपको ऐसे लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट इस तरीके से करना है। अगर आपके स्टैंड मतलब सीटिंग बैलेंस, बैठने में आपको कोई दिक्कत नहीं है तब, और अगर आपका बैलेंस बिगड़ रहा है तो एक जने को अपने आगे या पास में जरूर रखे, ताकि आपका बैलेंस एकदम बिगड़े तो वो आपको पकड़ ले। इस तरीके से आपको ये पीछे भी लेके जाना है और आगे भी लेके आना है, पीछे भी लेके जाना और आगे भी लेके आना, और ऐसा लेफ्ट और राइट ये आपको करना है। बच्चों की किसी की बॉल आपको घर पे मिल जाएगी इजीली, छोटी बॉल, इस तरीके आपको कैच कैच खेलना है। और फिर आपको अगर ये इजीली आप कर सकते हो तो आपको किसी और से मतलब कैच कैच खेलना है इस तरीके से। आपके पीछे जगह हो जैसे काफी, आपको यूं हो के आगे आपके किसी को रखें, ताकि आपको अगर बैलेंस एकदम आगे की तरफ बिगड़े तो आपको पकड़ ले। इस तरीके से आपको ये करना है। काफी इजी एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, जो आप अकेले इंडिपेंडेंटली कर सकते हो, इसमें आपको किसी दूसरे की हेल्प लेने की जरूरत नहीं होगी, पर फ्रेंड्स एक्सरसाइज आपको ही करनी होगी। अगर आपके कोई भी एक्सरसाइज में अगर आपके दर्द हो रहा है तो वो एक्सरसाइज आप स्टॉप कर देना, क्योंकि दर्द में आपको कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी है। अगर आपके कहीं पर भी दर्द हो रहा है तो 2-3 दिन अगर आप रेस्ट कर लोगे तो उससे कुछ नहीं होगा, बट आपको कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी है, स्टॉप कर देना। दर्द नहीं होना चाहिए कमर में या कहीं पर भी, अगर पैरों में भी दर्द हो रहा हो तो आप 1-2 दिन स्टॉप कर सकते हो। तो जैसे कि आपने देखा मैंने कुछ एक्सरसाइज बताई आपको, ये आप कीजिए और अच्छे से कीजिए, और धीरे धीरे आपको भी इम्प्रूवमेंट इसमें लगेगा। और वीडियो को प्लीज दोस्तों आगे जरूर शेयर करें। आप जैसे और मेरे जैसे काफी लोग हैं जो फिजियोथेरेपी नहीं ले पा रहे, उनकी भी कुछ हेल्प होगी तो दोस्तों मैं भी आगे शेयर करता हूँ अपने फेसबुक पे सब जगह, बट फिर भी मेरे एक शेयर करने से कुछ नहीं होगा। आप लोग भी आगे शेयर करें और सपोर्ट करें, ताकि और भी दुनिया में किसी ऐसे पर्सन की हेल्प हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।